कपड़े मंगाए जाए थोड़े से। सो वेलकम टू माय हॉल वीडियो गाइस। हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग होने वाला है शॉपिंग एट सरोजनी नगर एंड आई विल ट्राई टू डू अ ट्राई ऑन हॉल टू। सो विंटर की शॉपिंग आज बहुत होने वाली है मुझे लगता है, क्योंकि सरोजनी में विंटर का कलेक्शन वर्ड इज द राइट आई गेस। तो जैसे मैंने कहा, विंटर का कलेक्शन बहुत दिखने वाला है। आई विल ट्राई टू शॉप बट नॉट दैट मच, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सेस बैगेज है एंड हमारे पास रखने के लिए भी नहीं है जगह, तो हमें बैग भी खरीदना पड़ेगा मुझे लग रहा है। और विंटर के कपड़े थोड़े मोटे होते हैं, यहाँ से भी अगर लेके गई तो घर में रखने की तो बिल्कुल जगह नहीं है। और ये भैया बार बार देख रहे हैं, इनको बहुत मज़ा आ रहा है मेरे वीडियो में आना चाहते हैं लगता है। हाय। सो बहुत सारे दोस्त फैंस मिल रहे हैं, फैमिली। और मैं इससे पहले बहुत लोग पहचान के यहाँ पे भीड़ कर ले, मैं मास्क पहनती हूँ। आई विल ट्राई टू, हाँ आ जाओ जल्दी आ जाओ। सो बिफोर यू नो कि बहुत सारा भीड़ जम जाए, और क्योंकि सेफ भी नहीं है तो मैं मास्क पहनी रहूँगी पूरे ब्लॉग में, डोंट माइंड, ठीक है। पहले इनके साथ फोटो ले लेते, आ जाओ ले लो। हाय। दिवाली के वजह से पूरा मार्केट को बहुत अच्छे से लाइट अप किया गया है। एंड मैं सरोजनी आ चुकी हूँ, बट मैं दोपहर में आई थी, सो फर्स्ट टाइम मैं रात में आई हूँ। एंड मार्केट इज़ लुकिंग रियली प्रिटी। सरोजनी में आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पिक पॉकेटिंग बहुत होती है। और मैंने सुना है लोग कैमरा वैमरा छीन के भागते हैं, तो मैंने संभाल के रखूँगी, फ़ोन भी अंदर रख देती हूँ। कैमरा अगर ये व्लॉग नहीं है मतलब कैमरा चला गया है, और ये जो भी देख रहा है उसको बहुत मारूंगा मैं पकड़ के। सो लेट्स गो। राइट नाउ मैं एक ऐसे स्टोर में हूँ जहाँ पे वेलवेट की बहुत सारी चीज़ें हैं। मोस्टली आई गेस ऑल ऑफ देम आर थ्रिफ्टेड, बट दे आर रियली प्रिटी पीसेस। फॉर एग्जांपल ये भी एक अच्छा पीस है, तो देखते हैं कि भैया कितना बोलता है इसका। इसका कितना है? 200 200 रुपए से। ओके चलो 200 बोल रहा है, इसी खुशी में मैं ले लूँगी। ऐसे में और कुछ दिखाओ मुझे, ऐसे ऐसे टाइप में। तो हम ऐसे जगह पे आए हैं, यहाँ पे वही शॉप है जो वेलवेट वाली है। इनके पास एक नीचे दुकान है जहाँ पे मतलब थोड़े विंटेज और एंटीक्स मिलते हैं, और हाउस होल्ड जो होते हैं वो आइटम्स है। Again, I guess we are in a shop where you can find like thrifted pants. So I took a ivory colored pant. मुझे अच्छी लगी उसका फिट एंड ऑल। आई होप मुझे साइज आ जाए, आ जाएगी, क्योंकि पैंट्स कैन बी ऑल्टर्ड। जीन्स में थोड़ा इशू होता है। भाई आपके पास वाइड में जीन्स भी है क्या? सो अब हम जब आए हैं तो इतना जल्दी टाइम गया कि सब बंद होने आया है, और हमें इतना मज़ा आया था शॉपिंग में कि टाइम का पता ही नहीं चला। ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हो गई हैं, 9 बजे बंद हो जाती हैं। तो सुदर्शन और मैंने डिसाइड किया कि हम एक बार फिर से आएंगे, वी डोंट रियली नो। अगर इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली हॉल दिखा दूंगी तो समझ जाना कि हम नहीं गए थे। अगर इसके बाद कहीं जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये कितना क्यूट है, ये साइज मेरी है, ये कलर अच्छा लग रहा है। हाँ ये पैंट पे भी आएगा जो हमने खरीदा ना। शिट। मच 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 लेटर। सुदर्शन
मैं तेरे को समझावांगी। Thank you so much, man. I want to know you all are right. So you guys are vlogger? Yeah. May I know? N-A-G-M-A. N-A-G? G-G. M-A. G? M-A. This one is you? Yeah. Oh my god. So, kya baat hai, 5.8. It means a lot. Manjul. M-N-J-U-L. J-U. सो बहुत अच्छा गाया उन्होंने, हमने उनका इंस्टाग्राम आईडी भी पूछा है तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। सो मेक श्योर यू फॉलो हिम एंड बूस्ट हिज प्रोफाइल सो दैट ही गेट्स द रिकग्निशन ही रियली यू नो डिजर्व्स। और उनको भी बहुत अच्छा लगा हमसे मिलके, हमें भी बहुत अच्छा लगा। आई होप यू नो जो आर्टिस्ट होते हैं, जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, उनको उनका जो भी डिजर्व करते हैं वो उन्हें मिले, ये मेरा ऐसा वो है, प्रेयर है और विश है। सो अभी हम खाने जा रहे हैं, मार्केट से जो भी खरीदा हमने, मंजुल मिला हमें, तो अब हम खाने जाएंगे और उसके बाद घर जाके मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या लिया। सो फाइनली हम आए हैं बिग चेयर्स में एंड थोड़ी वेटिंग के बाद हमें फाइनली एक टेबल मिल गया एंड खाना भी आ गया है। तो आई एम रियली हंग्री। आज मुझे थोड़ा सा मेरा तबीयत भी डाउन लग रहा था इसलिए मैंने सूप मंगाया इसने नहीं तूने और गार्लिक ब्रेड एंड ऑल आ गए। तो आई गेस अभी मैं खाने के बाद ही आपसे मिलती हूँ। ओके बाय। फ्यू मोमेंट्स लेटर। कार्ड मशीन आ रही है, मोबाइल मशीन आ रही है। नो डिसिप्लिन बट नो 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 यू चूज जस्ट चूज अ कार्ड। इस ग्रिप पे की पे का टिक द कार्ड पे का हो गया लकी से मेरी तरफ से ट्रीट है आप सबको क्योंकि नहीं बेचारे हमेशा के बैठे हैं। मेरे तरफ से ट्रीट है, किस चीज़ के लिए बताएं? मंजुल का ब्लॉग आ रहा है इसके लिए। गाइस जाके मंजुल का ब्लॉग देखना, कल के अजीत का ब्लॉग आएगा मंजुल का। मेरा भी ब्लॉग आएगा और मेरा भी आएगा। मंजुल का पहला बता दी जिसका आया क्योंकि मेरा बहुत बाकी है।
अगर इनके अगर मैं शरोली बताना मेरा क्या करना। ओके लेट्स गो होम देन। सो फाइनली मैं मुंबई आ चुकी हूँ और काफी दिनों बाद मैं ये शूट कर रही हूँ। एक्चुअली वी आर लीविंग फॉर गोवा एंड दैट इज द रीजन मैं ऐसा मेकअप वेकअप नहीं लगा, मैंने दवा भी लगा दिया क्योंकि 16 आवर्स का जर्नी है। वी आर गोइंग बाय रोड, हम लोग कुछ 10-15 लोग हैं और अभी निकलने वाले हैं। बट गोवा जाने से पहले आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं हॉल वीडियो शूट कर लूँ सो दैट आई कैन अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल और गोवा व्लॉग्स भी जल्दी जल्दी आ जाए। थोड़ा सा मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या लिया था, तो चलो देखते हैं। कपड़े मंगाए जाए थोड़े से। सो वेलकम टू माई हॉल वीडियो फ्रेंड्स। सो थोड़ा सा झटका लग गया, इतने ही कपड़े नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। एंड मेनली मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने विंटर कलेक्शन टाइप ज़्यादा लिया है और ट्राउजर्स ये वो सब चीज़ें ज़्यादा लिया है। एंड बिफोर शोइंग यू ऑल द क्लोथ आई वुड लाइक टू से दैट अगर आप भी सरोजनी से लेते हो मेक श्योर कि आप पहनने से पहले उसको वॉश करो अच्छे से, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज क्लोथ्स आर थ्रिफ्टेड एंड डिफेक्टिव होते हैं ना, वो होता है और काफ़ी लोगों के हाथ लगते हैं कैसा होता है। सो घर आके प्लीज़ वॉश करना। अभी मैं आपको हॉल के लिए दिखा रही हूँ, उसके बाद ये सब ड्राई क्लीनिंग और वॉशिंग में जाने वाला है। सो सबसे पहला है ये क्यूट सा स्वेटर, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, ऑरेंज पिंक और ग्रीन, बहुत ही हॉलीडे वाइब वाला है ये स्वेटर। ये मुझे मिला था 150 रुपीज़ में, स्टील गाइस स्टील 150 रुपीज़ में स्वेटर ले बदला। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास थंटना ये कोट। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पर्पल कलर ओवर साइज कोट। आई गॉट दिस फॉर ₹200 ओनली। वाह एंड गाइज मैं सच बताऊँ मैंने इसमें बार्गेन भी नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा 200 का है 200 का है, तो मैंने ले लिया। बिकॉज दो चीज़, पहले तो मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना तो मैं उसे ज़्यादा बार्गेन नहीं कर सकती, मतलब मुझे ले लो पैसे ले लो और दे दो। एंड सेकेंडली आई फील 200 में क्या ही बार्गेन करूँ, बेचारों को कमाने दे दूँ ना। कई कई जगहों पर मैंने बार्गेन किया, जैसे ₹1000 बोल रहे थे तो मैंने बोला नो गिव मी फॉर 900, 500 बोलना चाहिए था, बट कोई नहीं। उनके लिए ये ब्लॉग डेडिकेटेड टू सरोजनी नगर के शॉपकीपर्स। सो ये वाला मेरा एक पर्सनल फेवरेट है, ये वेलवेट का कोट टाइप है, ब्लेजर टाइप है, एंड इस पर बहुत ही क्यूट ग्रीन कलर के रोजेस एम्ब्रॉयडरी किए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगेन ओवर साइज्ड बिकॉज इट्स द फैशन राइट नाउ, तेरे को एक बाहर होगी ना। नेक्स्ट वी हैव अगेन, मैंने कोट्स बहुत सारे लिए बिकॉज आई माइट ट्रैवल टू प्लेसेस जहाँ पे ठंडी हो सकती है, तो उसके लिए लिया है मैंने, या तो यहाँ पे भी फोटोज खिंचाने के लिए मैंने ले लिए। तो ये एक मैंने लिया, ये मैंने अंधेरे में लिया तो मुझे पता नहीं चला, इस पर थोड़ा सा दाग लगा हुआ है, मट्टी का दाग लगा हुआ है, तो आई फील हाँ दाग अच्छे होते हैं। ये सर्फ एक्सल का पैसा देगा मुझे सुदर्शन। तो ये बहुत ही क्यूट लेमन भी नहीं है, एकदम पेस्टल येलो कलर है। आई वुड सजेस्ट कि दिन में जाओ सो दैट आपको ये ऐसे सब दाग एंड ऑल देखने मिल जाए, मैंने नहीं देखा। तो नेक्स्ट वी हैव दिस कोट फ्रॉम गुची, जस्ट किडिंग गाइस, बट लुक एट दिस, इट्स अ ब्यूटिफुल ओवर साइज्ड ब्लेजर एंड इसमें गोल्ड की थ्रेड वर्क भी है, अगर आपको दूर से नहीं दिख रहा होगा बट गोल्ड की थ्रेड वर्क है, गोल्ड का बटन है एंड क्या पता असली निकला तो इसको ₹200 में भी इसको असली गोल्ड चाहिए। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर ₹200 ओनली। वॉट एक और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ गाइस, यू शुड हैव द आई टू फाइंड गुड प्रोडक्ट्स इन सरोजनी। अगर आप ऐसे चलते रहोगे ना कुछ नहीं दिख रहा है कुछ नहीं था निष्ठा की तरह आप खाली हाथ आ जाओगे। नेक्स्ट वी हैव इज दिस विंड शीटर, ये बहुत ही स्मार्ट विंड शीटर है एंड अगेन ऑरेंज मुझे काफ़ी पसंद है, कलर बहुत ब्राइट और फंकी लगता है। इस पर पीछे कुछ तो लिखा है, कहानी लिखा है, कहानी कुछ तो लिखा है जाने दो ना गाइस। वीडियोज इन और में पहनने बहुत अच्छा होता है एंड आई गॉट दिस फॉर ₹150 ओनली। एक्चुअली ये जो अंकल है ये ना 200 का बेच रहे थे मुझे जितना याद है दिन में, और हम जब रात में जा रहे थे उन्होंने अपना प्राइस खुद से ही 150 कर दिया। शॉप सब क्लोज नहीं आएगी सब बंद करने के टाइम। यस तो अच्छा है विंड शीटर, थोड़ा क्यूट है, मुझे पसंद आया।
नेक्स्ट वी हैव अगेन, इतने सारे कोट्स कहाँ रखूंगी मैं, ये है बहुत ही क्यूट सा पिंक, और इसके अंदर मैं पिंक कलर का इनर पहनूंगी और पिंक पैंट्स के ऊपर अगर मैं इसको स्टाइल करूंगी, ग्रीन पैंट भी जा सकती है, ग्रीन पैंट पे भी जा सकता है, गुड वर्क सुदर्शन, सुदर्शन के साथ लेकिन बहुत कुछ सीख रहा है। yes, guys. So, अगर इसकी प्राइस बताओ क्या है, 200। नेक्स्ट मैंने ये लिया था मेरी मॉम के लिए, बिकॉज मॉम को ऐसा विंटर में स्वेटर टाइप होता है ना, ऐसे पहन के बैठ जाओ, जबकि मैंने रियलाइज़ किया मुंबई में विंटर का डब्ल्यू भी नहीं आया अभी तक, तो कहीं अगर मम्मी चली गई तो मम्मी पहन लगी, बहुत ही सॉफ्ट है ये, बहुत सॉफ्ट है ये। एक्चुअली मिला मुझे थोड़ा महंगा, ये मुझे 450 रुपीस का मिला था, बट मुझे ऐसा लगा ठीक है मम्मी के लिए ले रही हूँ 450 का, मम्मी दुआ दे देगी उसको, whatever। तो नेक्स्ट है ये बेबी पिंक स्वेटर भी मम्मी के लिए, अलिया बचाओ गाइस, सो क्यूट है ना, ये भी बहुत सॉफ्ट है, और अगेन मम्मी के लिए, मम्मी अगर कहीं गई है हिल स्टेशन या कहीं पर जाती है तो यू नो शी लाइक्स इट। मम्मी के लिए मैंने कोट भी लाया है, वो अंदर रख दिया मम्मी ने। नेक्स्ट वी हैव वर्साचे, ये बहुत ही स्मार्ट है गाइस, इट्स मेड इन कोरिया, सो कोरियन फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, सो कोरियन फैंस कमेंट करो के पॉप के ड्रामा के क्लोथ्स। और अगेन गाइस दिस इज आल्सो फॉर 200, मेरा पर्सनल फेवरेट भी अंदर सब मिल रहा गाइस, बहुत सारे नीचे ऐसा सब है, मैं धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ, पहले मैं ट्राई कर रही हूँ जो ओवर कोट्स और अपर के है जो वो दिखाऊं। ये मुझे बहुत पसंद आया था गाइस, दिस इज अ वेरी प्रिटी ऑरेंज कलर्ड कोट, आपको मैं ऐसा पहन के नहीं दिखा रही क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है सच बताओ, वरना मैं चाहती थी कि मैं पहन के यू नो सब कुछ दिखाऊं, बट आपको ऑटोमेटिकली मेरे फीड पर देखने मिल जाएगा। साइज का ज़्यादा इशू नहीं है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ओवर साइज ली है, तो साइज का इशू पैंट्स में हो सकता है। सो नेक्स्ट वी हैव इज दिस जैकेट, ये मैंने ब्लैक कलर का ऐसी ले ली, मुझे बहुत क्यूट लगा, पफर जैकेट होता है बट ये थोड़ा सा लेडी लाइक है यू नो, ऐसा थोड़ा, बाकी सारी चीज़ें मैंने ओवर साइज ये वो लिया, तो ये बहुत ऐसा फिट में है और बहुत प्यारा दिखता है। ये मैंने लिया था 300 रुपीज़ में, उन्होंने मुझसे बार्गेन भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, मैं बोली दे दो मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट इज दिस वन, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, इसको मैं अगर ब्राउन पैंट्स के साथ पहनूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, और इस पे ये ऐसा आप देख सकते हो कुछ तो अच्छा सा बना हुआ भी है कॉलर पे, वेरी प्रिटी, ओनली 4 रुपीज, 200 एंड नॉट अवर, ये 300 रुपीज का है। हर शॉप्स पे गाइस अलग अलग मिल रहे थे, कोई 200 में दे रहा था, कोई अलग अलग में दे रहा था, तो मैं लेते जा रही थी। अभी टाइगर आ रहा है मेरे पास, टाइगर नहीं है गाइस, बट ये बहुत 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 ही प्यारा है, बहुत ही, एंड ये बहुत सॉफ्ट है, ये देखो आप टच करके देखो, देखो हाथ लाओ, मजा आई ना, सॉफ्टी, तो ये कलर भी बहुत अच्छा है, मैं बोली कि ये पीस तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये मुझे, ये 200 का नहीं है, आई गॉट दिस फॉर अराउंड 500 और 600 रुपीज, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट अमाउंट, 550 कुछ नहीं, 550 क्या होता है, 600 भी हो सकता है, ओह नो 650, तो कुछ तो ऐसे ही था, हाँ कुछ तो था महंगा, मतलब महंगा ऐसे कंपैरेटिवली ये महंगा था बाकियों से, बट मैं फिर भी इसको महंगा नहीं बोलूंगी बिकॉज इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, फिट बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, टोटली वर्थ इट एंड वन ऑफ माय फेवरेट पीसेस। नेक्स्ट वी हैव इज दिस स्वेटर, जिपर एक्चुअली है, बहुत ही अच्छा कलर है, ब्राउन, एज यू गाइस नो फॉल का कलर है, तो आपको ब्राउन में बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी सरोजनी में भी। आई गॉट दिस फॉर पीस, गेस करो, 250, मैं 250 बोल रहा था, तू बोला नहीं गया, कैंसल, ये तो सोफे का कवर है गाइस, सॉरी। रुको गाइस, हाँ ये मेरा फेवरेट है, ये है सुदर्शन का फेवरेट, दैट्स माय चॉइस, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ऐसा एक शर्ट है, इसको मैं ओपन करके भी पहन सकती हूँ, बहुत ही प्यारा, यू नो चाइनीज, एंशियंट चाइनीज होता है जो प्रिंट, उस टाइप में है, वेलवेट में है, एंड बहुत ही अच्छा है, मतलब मटेरियल भी अच्छा आगे है, से दिखा, काम भी अच्छा है, शाइनी, हाँ अभी दिख रहा है, शाइन हो रहा है, तो ये पहनने में बहुत अच्छा लगेगा, अगर मैं इसको इन करके ट्राउजर्स पे पहनूंगी, हाई वेस्ट स्ट्रेट फिट ट्राउजर्स, दिस विल लुक वेरी प्रिटी, सो यस। नेक्स्ट वी हैव ब्लैक कोट, नहीं लिया तो क्या लिया गाइस, एक ब्लैक कोट तो बनता है क्योंकि ब्लैक इज इन, एंड ये कोई अच्छी ब्रांड का ही लग रहा है मुझे क्योंकि इस पे ब्रांड का टैग भी लगा हुआ है, एंड इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, बहुत गर्म है तो ठंडी के जगहों के लिए परफेक्ट है, और ये बहुत अच्छा दिखता है पहनने पे, मैंने ट्राई किया है,
सो ये सब तो टॉप्स कोट्स जो भी वो सब हो गए. टॉप्स मैंने नहीं लिया इतने क्योंकि मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे. जैकेट्स में बहुत सारे ऑप्शंस थे गाइस. इतना सब लाने के लिए भी मुझे बड़ा सा कार्टन लेना पड़ा था. ये वाला एक नहीं दो दो एक्चुअली दो. और सिर्फ मेरे कपड़े नहीं थे गाइस. सुदर्शन, नवीन, मोहम्मद अली, ये तीनों ने भी शॉपिंग की है अच्छी खासी. तो अच्छा है, उधर अच्छे अच्छे चीजें थे. नाउ बॉटम्स की तरफ बढ़ते हैं. बॉटम्स का मैं आपको बताऊं गाइस, सारे बॉटम्स की प्राइसेस मैं आपको एक एक करके नहीं बताऊंगी. आई जस्ट वांट टू से कि सब कुछ 200 टू 300 के बीच में ही था. और वो लोग मतलब मैंने बार्गेन भी नहीं किया. जितना वो लोग ने बोला है इट्स 200 टू 300 ओनली. अगर आपको बार्गेन करना है तो आपको आई गेस वो लोग कम में भी दे देंगे. बट मैं आपको बता रही हूँ वो लोग ने मुझे क्या प्राइस बताया. सो पहला है ये वाला कॉर्डरॉय का पर्पल कलर की ट्राउज़र. बहुत ही अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है. हाई वेस्ट है, ट्राई नहीं किया मैं बट आई एम होपिंग कि फिट हो जाए. बड़ी है, बड़ी लग रही है मुझे. बट बड़ी रहेगी तो मैं उसको ऑल्टर करवा सकती हूँ, छोटी रहेगी तो मुझे डाइट करना पड़ेगा. यही है और कुछ नहीं. ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस कलर. ये वो जो मैंने लाइलैक कोट लिया ना उस पर भी जाएगा. नेक्स्ट आई हैव दिस ट्राउज़र जो मैंने कल ही ज़ारा से भी ली और ये भी मैंने यहाँ से लिया है. तो ज़ारा से मैंने ली है फॉर पीस 2790 एंड ये है 200 रुपए की. 20 कम कर दो. 207 भी कम कर दो. 17 20 क्यों कम कर रही है? वही ना, मैं 20 रुपए की लाई मैंने. अरे सॉरी गाइस, 1710 नहीं फिर भी नहीं. कट कट. सो मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि ये मुझे थोड़ी छोटी हो सकती है इसलिए मैंने ज़ारा से खरीद लिया. कोई नहीं, जब मैं जिम जाऊँगी फिर से तो पहनूंगी. थोड़ी सी छोटी है, ऐसे ज़्यादा नहीं. नेक्स्ट इज़ दिस ट्राउज़र. ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत 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 अच्छी लगी थी. हाई वेस्ट है एंड ये बेसिक ब्लैक टी शर्ट पर भी पहनूंगी. पता है मैंने जो टेरिस पे लव नवानती थी का पार्ट टू किया था उसमें मैंने चेक्स ट्राउज़र पहनी थी. ये वैसी सिमिलर है बट बहुत अच्छी है. इसका मटीरियल भी बहुत अच्छा है. तो अगर आप ट्राउजर्स देख रहे हो तो सरोजनी नीचे का नहीं दिखा. गाइस देखो बोला नीचे का नहीं दिखाई देता. बस नेक्स्ट अगेन ब्राउन कलर की ये बेल बॉटम्स है. कॉर्डरॉय में है ये. कॉर्डरॉय में बेल बॉटम्स लिया मैंने, ये देख सकते हो आप. वेरी नाइस. फिट वाइज आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड कि ये मुझे आएगी कि नहीं आएगी. मुझे लगता है लूज होगी ऊपर से थोड़ी सी, क्योंकि मुझे ट्राउजर्स बेसिकली ऊपर से लूज होती है, नीचे से टाइट होते हैं. अजीब कुछ सीन है. ये मेरी नहीं है. ये मेरी नहीं है, नवीन की है. नवीन ने से इसलिए बट कितनी छोटी है देखो पॉकेट. देखो पीछे वाली पॉकेट मैं देखा इतनी नहीं है. मेरे को काश मेरी होती है. काश मैं इतनी पतली होती तो मैं बोल सकती. हाइट भी नहीं आएगी. ये है हमारी नेक्स्ट ट्राउजर. ये ग्रेश कलर की है एंड अगेन वाइड लेग ट्राउजर है. बहुत ही अच्छी है. इसका कोरियन वाला जो फिट होता है ना, जो लूज लूज होता है वो वाला फिट है, तो मुझे वैसे पसंद है तो ये भी मैंने ले लिया. नेक्स्ट वी हैव इज दिस. ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मेरे पास ये कलर की कुछ भी ट्राउज़र नहीं थी तो मैंने ये क्रीम कलर की ले ली. एंड अगेन एज आई सेड 200 में मिल रहा था तो मैं सोचा ले लेती हूँ, कभी तो काम आएगी मुझे. और उस पर ऐसा कुछ तो लगा है मैंने अब देखा. छोड़ो गाइस वीडियो में नहीं दिखेगा पेन और नीचे है, कोई भी बोलेगा तो मैं बोलूँगी ओह शिट अभी जस्ट लगा मुझे. अच्छी ट्रिक है ना गाइस, अगर आप ऐसा कुछ डिफेक्ट वाला कुछ कभी पहन लेते हो और कभी कोई पॉइंट किया तो बोलना अरे ये कब हुआ, कैसे हुआ ये, मैं तो घर से निकली तो नहीं था ये. नेक्स्ट वी हैव इज दिस ट्राउज़र. अगेन वाइड लेग, बहुत ही क्यूट है गाइस और बहुत अच्छी है. हाई वेस्ट है तो टी शर्ट्स एंड ऑल पे पहनने के लिए बहुत काम आएगी. आई लव इट. आई गेस दिस इज द सेकेंड लास्ट. दोनों क्रीम ही बची है. ये मैंने दो बार क्रीम ले ली गाइस. वो अलग क्रीम है, ये एक्चुअली थोड़ा येलोइश क्रीम है, ये थोड़ा बेज ये ऑफ वाइट टाइप है. अगेन ट्राउजर वाइड लेग एंड द लास्ट वन इज दिस कॉर्डरॉय की है. ये मुझे बहुत पसंद है. इसका बेल बॉटम है नीचे एंड बेल बॉटम एज वी ऑल नो ट्रेंड हो रहा है. ये स्ट्रेचेबल भी है तो ये डेफिनेटली मुझे आ जाएगी, इशू नहीं होगा इसमें. तो इशू हुआ तो टिशू से पोछ दूंगी फिर. सो सुदर्शन पहनेगा ठीक है बेल बॉटम्स. तो आप चाहते हो अगर सुदर्शन मेरी बेल बॉटम्स पहने कमेंट में बताइए. सो दैट वाज इट एंड आई होप आप सबको मज़ा आया होगा मेरी शॉपिंग देखने.
मैंने बहुत ऐसा डिफरेंट डिफरेंट नहीं, थोड़ा सिमिलर लाइंस पर ही लिया, क्योंकि आप सरोजनी में घुसोगे तो आपको विंटर कलेक्शन ही दिखेगा। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे कभी भी मुझे इनमें से कुछ भी पहनते हुए देखा तो SM कमेंट करना, ये हमारा सीक्रेट कोड है आप मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, इंस्टाग्राम फैमिली को नहीं पता चलना चाहिए। लोग सोचे कि SM क्या, SM क्यों है, सरोजनी मार्केट, सरोजनी नगर है ना, बट वो सरोजनी नगर का मार्केट है, वो सरोजनी मार्केट नहीं है, तो SN करना है, N फॉर नगमा भी आ जाता है, ठीक है, तो S सरोजनी, तो वही तो है गाइस, सुदर्शन भी आ सकता है, सुदर्शन एंड नगमा, सो गाइस SN कमेंट करो, लोगों को कंफ्यूज लोगों को बोल। और अभी मैं जा रही हूँ, मैं गोवा की फ्लाइट मिस हो रही है, अंधेरी इससे पकड़ने वाली फ्लाइट में, मेरी फ्लाइट 16 घंटे तक रोड पे चलेगी, टेक ऑफ ही नहीं करेगी, विदाउट टेक ऑफ वाली फ्लाइट है। हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं हम रोड से जाए फ्लाइट में। अरे गाइस, मैंने एक चीज और नहीं बताया आपको, गाइस मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने ऐसी 4-5 इयर रिंग्स खरीदी थी और एक लिखा हुआ भी कुछ था, पता है एक इयर रिंग पे ऐसा कुछ, तो अच्छा बॉस ऐसा कुछ लिखा हुआ था, लिया नहीं था मैंने, उसमें कुछ और लिया था लिखा हुआ, मेरे को याद है क्वीन कुछ तो एक लिया था मैंने लिखा हुआ, अच्छा गोल्ड में था ना, शिट, वो वैसे इयररिंग्स ली थी, बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स ली थी, उसमें से मुझे अभी सिर्फ दो ही मिली है, आई डोंट नो कहाँ गई है, अगर आपको मिला तो बता देना, अगर कहीं मिला तो, बट मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये देखिए बहुत ही प्रिटी इयररिंग्स है, एंड दीज आर फॉर ₹50 ओनली, कैन यू इमेजिन ₹50 में ये इतने अच्छे बीड्स का काम किया हुआ, एंड दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस, इतने सारे ऑप्शंस थे, मैंने इतना अच्छा ग्रीन कलर का लिया था, एक ऑरेंज कलर का कुछ, वाइट भी लिया था एक, मैंने कहा गया मेरे को फिर से सरोजनी जाना पड़ेगा, मिल गया ना NDS में फिर से जाने वाली सरोजनी, सो अब मैं ये गोवा में पहनूंगी। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको फैशन रिलेटेड या कपड़े के रिलेटेड, मेकअप रिलेटेड और भी कुछ जानना है मुझे बताओ। आई नो रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल ब्लॉग्स में घुस चुकी हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है वो टाइप के ब्लॉग्स बनाने, तो प्रे करो मैं ऐसे ही ट्रैवल करते रहूँ और आपके लिए ट्रैवल ब्लॉग्स बनाऊँ, बीच बीच में आपको फूड, फैशन, मेकअप, ब्यूटी चैलेंजेस देखने मिलेगा, तो आप लोग सपोर्ट करो, मैं और ट्राई करूँगी, और एक सुदर्शन हायर करूँगी, दो लोग एक ब्लॉग बनाएंगे, या तो सुदर्शन के लिए प्रे करो कि वो एक दिन में एक वीडियो एडिट कर दे ताकि एवरी डे ब्लॉग आए, क्या बोलता है सुदर्शन, प्रे फॉर सुदर्शन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।